जी वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर आसमा जैदी, लेज़र हेयर रिमूवल एक्सपर्ट। तो हमने कहा कि हम पहले उनसे थोड़ी सी वैक्सिंग और थ्रेडिंग पे बात करें। मैम, व्हाट यू हैव टू से अबाउट वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग? एक्चुअली दीज ऑल आर मीन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ। स्टिमुलेटिंग, एग्जैक्टली। आप बाल खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टिमुलेट कर रहे हैं हेयर रूट को। एट टाइम्स फर्क भी पड़ जाता है, ग्रोथ कम भी हो जाती है। आई हैव सीन पेशेंट्स, इनको वैक्सिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन मैंने बहुत बुरे केसेस भी देखे हैं जब वैक्स से और थ्रेड से बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, देन दे कम टू यू नो अस फॉर लेज़र। फिर उनकी ट्रीटमेंट करना, एंड आई मीन वी हैव टू ट्रीट द हेयर ऑल्सो, प्लस द पिगमेंटेशन जो हो चुकी है, और बीच में प्लकिंग भी हो रही होती है। तो सारी चीज़ें दे आर स्टिमुलेटिंग हेयर ग्रोथ। आप सोचे फिर, बट पीपल आर अप टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर वो वैक्सीन कराते रहते हैं उसके बाद उनकी हेयर ग्रोथ वहाँ पे कम हो जाती है या बाल थिन हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। होता है, सम पीपल डू हैव दिस सिचुएशन, बट मेजॉरिटी में यही होता है कि इसके बाद वो इवेंचुअली लेज़र की तरफ ही आ रहे होते हैं, और आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी फिर वो लेज़र पे भी पैसे खर्च कर रहे होते हैं और रिजल्ट आते हैं फिर, क्योंकि उतनी थिक ग्रोथ हो गई होती है कि वो लेज़र के लिए बहुत सूटेबल ग्रोथ हो जाते हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट थ्रेडिंग? थ्रेडिंग भी वैक्सिंग से बेहतर है। इट्स बेटर देन वैक्सिंग फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन थ्रेड योर एंटायर बॉडी। हां, एग्जैक्टली। बट आई मीन फॉर स्मॉल एरियाज इट्स ओके, बट वैक्सिंग तो एक्चुअली फेस पे तो यू नो कि ब्लड सप्लाई इज सो मच, तो इट्स उस पर इफेक्ट भी, अगर बुरा हो रहा होगा तो बहुत जल्दी बुरा हो जाएगा, अच्छा हो रहा होगा तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल बॉडी पे इधर से इफेक्ट कि वो कम भी हो जाती है, थिनिंग भी हो जाती है, लेकिन कम्प्लीटली तो मुझे नहीं लगता इतना कोई फ़र्क पड़ता होगा, बिकॉज वी आर डूइंग लेज़र, पूरा दिन हम लेज़र करते हैं, मतलब मॉर्निंग में अलग डॉक्टर, इवनिंग में अलग डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट मिलना भी एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो पीपल आर कमिंग फॉर लेज़र, उन्हें अवेयरनेस हो गई है कि लेज़र ही, छोटी छोटी बच्चियों को भी ला रहे होते हैं कि मतलब रादर देन गोइंग फॉर थ्रेडिंग और वैक्सिंग वहाँ से स्टार्ट करो, फिर लेज़र से ही स्टार्ट करते हैं, तो रिजल्ट्स है उसमें, वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाए। अच्छा, वो एक कहते हैं कि अगर हम बचपन की से बच्चियों को वैक्स और सब चीज़ों के लिए कर दें तो बाय द टाइम दे आर यू नो अडल्ट एंड ऑल, तो उनके दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी हेयर। अब ये इतनी ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना। एक तो फेशियल हेयर को छेड़ना ही बहुत बड़ी मिस्टेक है, बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली, वो इतना पतला बाल होता है, वो थ्रेड करके या वैक्स करके तो ऑलरेडी मोटा हो जाएगा। ब्लीच कर लेते हैं, एट टाइम्स पीपल कंप्लेन के ब्लीच भी बाल लंबे हो जाते हैं, ग्रोथ बढ़ जाती है, पीपल डू कंप्लेन अबाउट देम। इज दैट पॉसिबल? आई डोंट नो, लगता नहीं है मुझे, मैंने कभी इस तरह ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, लेकिन ये कि ग्रोथ बढ़ जाती है या ये कि बाल बहुत लंबा हो जाता है, ये तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब आई हैव नो आइडिया कि वो कौन सी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या है रही है, लेकिन बहरहाल इस तरह होता नहीं है। हाँ, वैक्सिंग थ्रेडिंग से तो समझ आती है कि ग्रोथ बढ़ गई है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन अब हम रेजर की भी बात करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ, उसके बाद जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आवाज तो तेज नहीं है मेरे टीवी की? बिल्कुल, आवाज आपकी भी आवाज बहुत हल्की, इनफैक्ट। अच्छा, मेरी भी हल्की है। बेटा एक बात बोलूं आपसे? हाँ जी, हाँ जी। आज ऐसा लग रहा है जैसे आपको जबरदस्ती लाया गया, बड़ा छुट्टी का मूड आपका बहुत। छोटे बच्चे तो मैंने देखे जिद करते छुट्टियों के लिए, लेकिन आप में उससे भी ज्यादा जरासीम देखे। ये आपको कैसे पता चला? बस बेटा, अब इतनी उम्र हो गई, शनाख्त तो हो ही जाती, छुट्टी की बड़ी शौकीन है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आज हमारा, मैंने मेकअप जो है वो बहुत लाइट किया है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं सो रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, और आपकी मेहमान तो माशाल्लाह, मेरे ख्याल में स्किन के लिए अगर कोई इनके पास जाएगा तो इनकी फ्रेशनेस देख के वो बोलेगा कि यहाँ इलाज हो जाएगा। अच्छा, इनसे एक सवाल करना, टॉपिक तो आपका जरा दूसरा चल रहा है। हाँ, जी, जी। बालों पे और इस पे, लेकिन मुझे ये पूछना है, जो हम जैसे लोग अमूमन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन आजकल शुगर की मरीज है। अच्छा, शुगर के मर्द में अमूमन खारिश हो जाती है आदमी को, तो उसका इलाज शुगर कंट्रोल है या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है, या उसके लिए मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर सिर्फ उसी से कंट्रोल हो जाती है? बहुत ठीक है, हम आपको बता। यूसुफ, यूसुफ, हमारे पोल का सवाल। हाँ, पोल का सवाल में तो दो राय है ही नहीं। देखिए, जब वो 50,000 के लिए जब गुर्दा देने लगता है ना, तो यकीन करें वो बेचारा लाख रुपए का मकरूज ऑलरेडी पहले से होता है। आई नो, सही कह रहे हैं। इतनी उसकी कंडीशन खराब होती जब ये स्टेप लेने पे मजबूर होता है, तो ये तो हर लिहाज से गलत ही है।
इसके लिए हमारे माशरे को कुछ करना चाहिए, ना कि बेचारा उस गरीब आदमी को। लेकिन बहरहाल इसको किसी तरीके से अच्छा तो कहा ही नहीं जा सकता। सही, ठीक है, हेल्पिंग आउट भी नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन आप याद रखिएगा, डायबिटीज एंड इचिंग। हमारे पास एक और कॉल है, वो अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं हफ्सा इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। मुझे मेरी बेटी के बारे में मालूम करना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पूछिए। मेरी बेटी की एज 3 इयर्स है। 3 इयर्स है, अच्छा ठीक है। इसके ना फोरहेड पे काफी बाल हैं, ये कानों के नीचे की साइड जो होती है ना, यहाँ पीछे से इसी कानों की साइड की तरफ भी बाल आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं, जब से पैदा हुई तब से है इसके ना, ये कानों के नीचे की साइड और फोरहेड पे। इसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा, इसके लिए आप क्या करें? ठीक है, सिर्फ यही है और पूरी बॉडी इज ऑल राइट? हल्के पुल्के हैं पूरी बॉडी पर? पूरी बॉडी पर है, मतलब कि बाजू पे जैसा हल्के लेग्स वगैरह पर हैं, लेकिन जो ज्यादा मेन मसला है ना उसके फोरहेड के और जो जो कानों के नीचे की साइड है ना उस तरफ है। ठीक है जी, हम बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, पहले यूसा का सवाल हम बता देते हैं कि वो डायबिटीज में जो वाकई में बहुत एग्जैक्टली होती है, मे बी शुगर कंट्रोल उन्हें करनी चाहिए। डर्मेटोलॉजी का भी होगा इसमें रोल, एक किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे क्लिनिक में आके डॉक्टर साहब से मिल लें, अगर वो यहाँ कराची से कॉल कर रहे थे तो। ये कि साइड बाय साइड टॉपिकल भी उनको एडवाइस हो जाएंगी, क्रीम्स वगैरह लगा के भी कुछ कंट्रोल होगा। बाकी तो आपको पता ही है शुगर की तो साइड इफेक्ट्स है ना, कि सूदिंग क्रीम्स दे देते हैं उसके ऊपर लगाने के लिए, कि आप ऊपर से उसको इतना इश्क करें, स्किन खराब होती है, बहुत खराब होती है। अगर हम कंटिन्यूअसली इश्क करें तो क्या होता है डॉक्टर साहब? स्किन पूरी रफ होना शुरू हो जाती है और एट टाइम्स ब्लीड भी हो जाता है। डायबिटीज का पेशेंट है और मतलब ये हम रिस्क नहीं ले सकते कि उसे थोड़ा सा भी कहीं कोई जख्म आए, बिकॉज उसकी हीलिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, नॉर्मल इंसान से कम होती है, तो वो भी एक रिस्क हो जाता है। तो इचिंग तो ना करें तो बेहतर है, वरना स्किन तो बहुत खराब हो जाती है। अच्छा, इस पे वो एक टिप भी देते हैं ना कि जब भी आपको इच हो रहा, इफ यू कैन तो आपको गर्म पानी से नहा ले, यू विल फील बेटर। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल उनकी बेटी का, 3 साल, एज तो बहुत छोटी है, तो शी शुड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि क्या है। मे बी फेमिलियल हो, और बच्चों के होते भी हैं, मेरी अपनी बेटी के भी थोड़े बहुत फोरहेड पे हैं, गिर भी तो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं, बच्चों के बाल यहाँ पड़े रहते हैं, कहते हैं ना जैसे फ्रिक्शन से भी बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती। वो तो अभी बहुत छोटी है, थोड़ा सा टाइम दें, फिर किसी से दिखा लें, मिल लें, कराची में तो शी इज़ मोस्ट वेलकम, आ जाएँ क्लिनिक में हमारे। अच्छा, लेजर कराने की बेस्ट एज क्या होगी? लोग अपर लिप्स के लिए तो आते ही अपर लिप के लिए आते हैं, फिर हम कहते हैं अपर लिप छोटा एरिया करा लें कि एटलीस्ट वो एरिया कवर हो जाए, बिकॉज आजकल इतनी अवेयरनेस हो गई है। फिर बच्चों को ये होता है कि हम थ्रेडिंग करा लें, हम वैक्सिंग करा लें, तो उनकी माएँ फिर यही लेकर आ जाती हैं कि एटलीस्ट लेजर कर दें। छोटा सा एरिया ठीक है, इफेक्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो स्लो इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली इफेक्ट तो है लेजर का, बिकॉज जब बाल वहाँ पर है तो टारगेट भी होगा। बाकी ये कि थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा एरिया कवर करना है तो दे शुड वेट फॉर 13-14 ईयर्स एटलीस्ट। अच्छा, बस मुझे एक बात बताएं, वो जो रुआ है, रुए के ऊपर जब आप लोग लेजर करते हैं तो उसके इफेक्ट्स तो वो कभी भी नहीं आते होंगे? एक तो रुए का कलर इज स्लाइटली गोल्डन, ठीक है, और दूसरा आपको होता है ना जितना ब्लैक जितना डार्क उसका, वी हैव एन ऑप्शन ना इन आवर क्लिनिक, वी हैव अनदर मशीन जो रुए को कवर करती है। अच्छा, तो मेलानिन का कोई रोल नहीं है उसमें, मतलब कहते हैं ना एक्स मेलानिन, लेकिन ब्लैक ब्लैक पिगमेंट तो होता ही है। बिल्कुल गोल्डन बाल तो ऑब्वियसली नहीं ट्रीट होते, बिकॉज ब्लीच अगर कोई पेशेंट करके आता है तो हम ट्रीटमेंट नहीं करते, बिकॉज ट्रीट नहीं होता। और क्या कहते हैं, लेकिन ये कि रुएं के लिए हमारे पास मशीन है जो रेवलाइट के नाम से जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वो रुएं को भी डील करती है, बिकॉज जब थिनिंग हो जाती है तो पेशेंट, हमने आपको पहले भी बताया था कि मशीन रेवलाइट पर शिफ्ट कर देते हैं, और अगर कोई बहुत फाइन हेयर के साथ आ रहा है तो हम स्टार्ट ही उससे करते हैं, तो इफेक्ट है उसके। अच्छा, आई हैव सीन फ्यू डॉक्टर्स जो उनके पास ऐसे बच्चे लेके जाओ तो वो कहते हैं कि पहले आप एक दो बार वैक्सीन कराएं, कुछ ग्रोथ हो वहाँ पे, कुछ इस तरह हो कि हम वहाँ पे काम कर सकें। नहीं, हम इस तरह से राइट अप्रोच नहीं, हम इस तरह से नहीं करते। अगर लग रहा होता है कि हिट हो रहा है तो ठीक है, देन एंड देयर हम ट्रीट कर देते हैं, लगता है कि हिट नहीं होगा तो फिर हम कहते हैं आप थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, अगर बहुत मजबूरी है, बहुत बुरा लग रहा है, ओके वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट नॉट रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे तो फिर वही सुई आके वहीं अटक जाती है कि फिर ग्रोथ हो जाएगी, फिर ट्रीट करो।
अच्छा एक और चीज़, हमारे घरों में जो होता है कि वो जब बच्ची पैदा होती है तो इनिशियली उसके एक डेढ़ साल के अंदर वो चावल का आटा और दो तीन और चीजें उसमें मिलाई जाती है और एक मिक्सचर बनाया जाता है और उससे बच्चे की बॉडी रैप की जाती है. वो एक पुराना एक वो है. इज दैट अ राइट वे? इफेक्टिव होता भी होगा बिकॉज बॉडी पे तो हेयर होते हैं, बाय बर्थ भी होते हैं और वो इतने मतलब वो तो वैसे भी झड़ जाते हैं लेकिन अगर उसे उस तरीके से भी हटाया जाए तो उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है बिकॉज वो वैसे भी वो स्टिमुलेशन करेगा, ब्लड सप्लाई स्टिमुलेट करेगा. अगर हम बॉडी पे मसाजिंग स्क्रब मसाजिंग एक तरह से हो रही है तो वो तो वैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा तो उसमें तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है. अच्छा उससे बाकी में मैंने देखा बच्चों की बॉडी पूरा रूम उतर गया और वो नहीं आता. नहीं आता. क्लीन एंड क्लियर उनकी जो होती है वो मिक्सचर आपको एग्जैक्टली पता है वो क्या है? चलिए जी एक दिन आपको वो मिक्सचर की भी टिप देंगे, वो बताएंगे कि वो क्या है. और जिसके घर में भी बच्चे हैं पैदा हो रही तो वो शुरू में ऐसे कर दें. इट्स नॉट इवन पेनफुल. नहीं, इट्स नॉट पेनफुल.